लग्न भाव में बृहस्पति, तीसरे भाव का मंगल, एकादश का राहु और लक्ष्मी नारायण योग और शष नाम का पंच महापुरुष योग, ये सारी चीजें वृषभ राशि वालों के लिए ऐसी स्थिति बना रही है कि पूरे नवंबर में हर एक प्लेनेट ऐसी जगह पर बैठ गया है जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में ऐसी स्थिति बन गई है नवंबर के महीने में जो आप डिटेल से अब जब जानेंगे तो आपको लगेगा कि इसका आपको फायदा भी मिलेगा। कैसे फायदा होगा, गोचर में क्या परिस्थितियां बनी है, गोचर आपके लिए अनुकूल कैसे है और किस तरीके से फायदा पहुंचेगा, किस डेट में पहुंचेगा, ये सारी बात इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि के बारे में। मित्रों, दो नंबर यानी कि चंद्रमा अगर आपका टू नंबर में है, दो नंबर में है, या फिर आपका लग्न स्टार्ट होता है दो से, तो आप वृषभ राशि के हैं, वृषभ लग्न के हैं। अब यहाँ पे नवंबर के महीने की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्थिति ये बन गई है कि मंगल देव आपके तीसरे भाव में जा बैठे हैं यानी कि कर्क राशि में और नीच होकर के। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक राजयोग बन रहा है जिसको कहा जाता है कि द्वादशेश तृतीयस्थ यानी कि ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड जब तीसरे भाव में चला जाए तो अकस्मात धन योग अतिशयेन धन प्राप्ति का योग बनता है। ये अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में है तब भी होगा, गोचर में होगा तब भी होगा। और तीसरे भाव में अगर कोई भी क्रूर प्लेनेट जाता है, नीच प्लेनेट जाता है, तो वो विपरीत राजयोग भी बना देते हैं, क्योंकि कोई भी तीसरे भाव में जब कोई ऐसा प्लेनेट जो कि नीच होकर के बैठ जाए तो उसकी उच्च दृष्टि नवम भाव पे होती है यानी कि नाइन्थ हाउस पर में मंगल की अभी उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल आपके लिए शुभ फलदायी हो गए हैं। मंगल हैं आपके द्वादशेश और सप्तमेश, हैं अरिष्ट कारक यानी कि खराब घर के मालिक होते हुए भी, लेकिन चूंकि खराब घर के मालिक होकर के तीसरे भाव में नीच होकर के बैठे हैं तो वो मंगल आपको फायदा देंगे। आपको इसमें क्या होगा, भाग्योदय होगा, उसके बाद बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने के अवसरों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं राहु की, तो राहु ऑलरेडी आपके एकादश भाव में है। एकादश भाव का राहु के बारे में यही फल बतलाया गया है कि वो हर चीज को, हर अरिष्ट को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। एकादश भाव का राहु जिसका जन्मकालीन हो या गोचर में जिसके एकादश भाव में आ जाए तो राहु वो हर हाल में आपको फायदा देते हैं। राहु के बारे में यह है कि वो अगर स्त्री राशि में है तो अधिक लाभ देते हैं। तो राहु आपका अभी मीन राशि में है, स्त्री राशि में है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक स्थिति में है। यानी कि राहु और मंगल ये दो जो क्रूर प्लेनेट हैं, मैं भी यही बतलाने जा रहा हूं आप लोगों को कि वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां पे जिस प्लेनेट को सेट होना चाहिए जिससे वो फायदा देंगे, वही स्थिति पूरे नवंबर आपके लिए है। तीसरे भाव में मंगल, एकादश का राहु और शुक्र और बुध की लक्ष्मी नारायण योग। मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग दो प्रकार से मैं बतलाता हूं आपको। पहला तो ये होता है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश की अगर युति हो जाए किसी भी भाव में, केंद्र जो होता है वो होता है पहला, चौथा, सातवां और दसवां, और त्रिकोण होता है पांचवां और नौवां। तो जब कभी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी इकट्ठे कहीं बैठ जाते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण योग होता है। उसके बाद शुक्र और बुध की जब कभी युति एक साथ हो जाती है तो वो भी लक्ष्मी नारायण योग होता है। और आपके गोचर से वृषभ लग्न वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग दो प्रकार से बन रहा है। पहला तो ये कि शुक्र और बुध की युति, और दूसरा वही शुक्र और वही बुध आपके केंद्रेश और त्रिकोणेश भी हैं। शुक्र आपका लग्नेश और बुध आपका पंचमेश, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग के सप्तम भाव में बन जाने से, वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध के आ जाने से बिजनेस में बहुत अभूतपूर्व लाभ होने जा रहा है। जिनका बिजनेस बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त था, बिजनेस नहीं चल पा रहा था किसी न किसी कारण से, चाहे वो गोचरीय दशा हो चाहे वो जन्मकालिक दशा हो, तो उनके लिए लक्ष्मी नारायण योग एक वरदान के रूप में काम करेगा, क्योंकि शुक्र और बुध में मित्रता है और दोनों ही आपके बिजनेस के भाव में बैठ गए हैं, और उस पर में बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है, और बृहस्पति और शुक्र का आमना सामना यानी कि सम सप्तक योग भी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें केवल और केवल अभी वृषभ राशि वालों के लिए है। एकादश का राहु, लग्न का बृहस्पति, सर्व अरिष्ट शमन करता योग, सर्व अरिष्ट शमन करता योग होता है। अगर लग्न का अकेला बृहस्पति अगर हो जाए
तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं। हालांकि गोचर में लग्नस्थ बृहस्पति कुछ पीड़ा भी पहुंचाते हैं, नुकसान भी देते हैं, लेकिन बृहस्पति की जिन भावों पर में दृष्टि पड़ जाए वो भाव निहाल हो जाता है। तो यहाँ पे शुक्र और बुध पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। पंचम भाव और नवम भाव पर में बृहस्पति की दृष्टि या मंगल की उच्च दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो भाग्योदय का सबसे सटीक समय है। इस पूरे नवंबर में ये पूरा रहेगा, मंगल भी पूरे नवंबर वहीं पर रहने वाले हैं, बृहस्पति ऑलरेडी रहेंगे, राहु है, शनि भी 15 नवंबर से जब मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी हो जाने के बाद वो पंच महापुरुष का जो शश योग का जो शुभ फल है वो देना वो स्टार्ट कर देंगे। तीसरी दृष्टि उनकी द्वादश भाव पर पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और इस तरीके से क्या होगा, और द्वादशेष तृतीय भाव में नीच का हो गया, तो विदेश जाने की जो कोशिश थी आपकी वो पूरी हो जाएगी, वैदेशिक लाभ मिलेगा, घर से बाहर जाकर के दूरी पर जाएंगे और धन के साधनों में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है और वो अगर क्रूर प्लेनेट हो कोई भी, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं कि ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाए और वो अगर पापी ग्रह है या सूर्य है, मंगल है या फिर शनि है, तो वो बहुत तेजी से विपरीत राजयोग में लाभ देते हैं। इस तरीके से मंगल का हो गया, बृहस्पति का बतलाया, अब राहु केतु तो ऑलरेडी समसप्तक में रहते ही हैं। अब ये है कि सूर्य देव अभी नीचे है, 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक सूर्य हैं आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड, भूमि माता भवन सब चीजों के, उसके बाद आपके स्वास्थ्य के भी, आपके लंग्स के, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी सावधानी आपको ये रखनी पड़ेगी क्योंकि सूर्यदेव अभी नीच हैं और नीच होकर के वो कहाँ पर चले गए हैं, आपके छठे भाव में, यानी कि आपके स्वास्थ्य के घर में, शत्रु कर्जा और बीमारी के घर में, ऊपर से मंगल की दृष्टि उन पर पड़ रही है, यानी कि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है सूर्यदेव पर और सूर्य आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और मंगल है मार्केस। यहाँ पर कुल मिला के स्थिति ये बनती है कि दुश्मन हावी हो सकते हैं, अनावश्यक खर्च हो सकता है, तो सूर्यदेव के लिए जो परिस्थिति दिख रही है वो 17 नवंबर तक थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, सूर्यदेव को आप अर्घ दें। और साथ ही साथ ये नेगेटिव मैंने बताया, पॉजिटिव क्या है कि सूर्यदेव को क्या हो रहा है, नीच भंग राजयोग भी लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है वो भी आप जान लें, सूर्य अभी नीच के हैं तुला में और तुला में कौन, तुला का जो मालिक है शुक्र, वो आपके लग्न से केंद्र में आ गए हैं, तो क्या होता है ऐसी परिस्थिति जब बनती है तो वो प्लेनेट को कहा जाता है कि नीच भंग राजयोग लग गया। तो सूर्य को भी नीच भंग राजयोग लगा हुआ है, मंगल को ऑलरेडी नीच भंग राजयोग लगा हुआ है, क्योंकि मंगल जिस राशि में उच्च होते हैं मकर राशि में, और उसका जो मालिक है शनि वो आपके लग्न से केंद्र में है और रूचक नाम का, पंच महापुरुष नाम का एक बड़ा राजयोग बनाया हुआ है जिसका आपको लाभ मिलेगा। अब बृहस्पति पंचम भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं, संतान की अभ्युन्नति करेंगे, बृहस्पति वक्री होकर के और ज्यादा बलशाली हो जाते हैं, यानी कि बृहस्पति शुभ ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो और ज्यादा बलशाली हो जाते हैं। तो बृहस्पति आपका अष्टमेश और एकादशेश है, हालांकि है खराब फल देने वाला, लेकिन चूंकि वो शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह प्लैनेट वो अपना लग्न में वो हो सकता है कि निगेटिव फल दे, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टि पड़ रही है वहां पर वो शुभ फल देंगे। तो पंचम भाव में दृष्टि पड़ने से संतान को लेकर के, या फिर आप जो सोच रहे हैं, या कोई विद्यार्थी लोगों का जो कंपटीशन का कोई एग्जाम होगा या फिर कंपटीशन का सक्सेस हो गया, इन सब चीजों में लाभ पहुंचाएंगे। भाग्योदय होगा, हर हाल में होगा, अगर आपका मंगल लग्न कालीन जन्म कालीन अगर अच्छी स्थिति में है तो हर हाल में आपको इस समय में भाग्योदय होगा। नवंबर के महीने में आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी, प्रमोशन होगा, धन की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी और एकादशेश बृहस्पति लग्नस्थ है, यानी कि एकादश का आय का जो मालिक है, और द्वितीय बैंक बैलेंस देखिए कितना अच्छा हो जाता है, सारा मैथमेटिक्स होता है, एकादशेश बृहस्पति द्वितीय बुध यानी कि आने का जो मालिक है, धन आने का मालिक बृहस्पति और जमा होने का बुध, इन दोनों के अंदर में दृष्टि संबंध बन गया है, सम सप्तक योग बन गया है, ऐसी परिस्थिति में ये होता है कि धन की कमाई बढ़ जाती है और धन का खर्च,
जो होगा वो सही चीजों में होगा, अपव्यय बंद हो जाएगा, अनावश्यक जो खर्च हो रहे थे वो बंद हो जाएंगे, और बृहस्पति और बुध के सम सप्तक योग से आप सही तरीके से अर्जन भी करेंगे और सही तरीके से खर्च भी करेंगे। इस तरीके से वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। आपको करना क्या है, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को हमेशा दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा माता का 32 नाम अगर आप रोजाना पाठ करते हैं कम से कम 5 बार 11 बार तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। शनिदेव आपके लिए हर हाल में शुभ फल देने वाले होते हैं, तो शनिदेव के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। और बुध जो है आपका वो भी बहुत ही ज्यादा शुभ फल दाने शुभ फलदायी होते हैं, तो बुध आपका ऑलरेडी बृहस्पति से दृष्ट होकर के अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देने वाले हैं। इस तरीके से वृषभ राशि के बारे में मैंने डिटेल से बताया, आपको समझाया भी, आपको बताया भी, क्योंकि अपनी कुंडली को जब हम खुद से देखते हैं, जानते हैं, और जब हमें विश्वास हो जाता है तो हमें फल भी अधिक मिलता है। मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।